नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपको एक गाने से रूबरू कराते हैं, जो कि गाना फिल्म राम लखन से है, जो कि 1989 में ये मूवी आई थी। और इस पिक्चर में सारे ही गाने हिट है, और एक ये गाना है बेकदर बेखबर बेवफा बालबान, जो कि अनुराधा पोटवाल जी ने बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है। सो दोस्तों, आज बात करेंगे इस गाने में ढोलक कैसे बजी है। ये गाना वैसे 8 मात्रा में है, ताल कहरवा में, और इसमें 3 ताल का 16 मात्रा का भी मिश्रण किया गया है बीच बीच में। तो आपको बताते हैं इसमें ढोलक कैसे बजी है। स्टार्टिंग में इसमें 3 ताल से ये गाना स्टार्टिंग होता है। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पूरा देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा इस गाने में ढोलक कैसे बजी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आगे हम वीडियो बनाए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं इस गाने में ढोलक कैसे बजी है, कैसे क्या स्टार्टिंग है इस गाने की। तो इसमें कुछ पूरा म्यूजिक तो हमारे पास है नहीं, इसमें कम से कम 1-2 मिनट का म्यूजिक बजता है स्टार्टिंग में, वो तो है नहीं, लेकिन हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये गाना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ ऐसे म्यूजिक बजता है, टंग डंग 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 से इस गाने में स्टार्ट हुआ है। डंग 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 इसको बोलते हैं 16 मात्रा, इसमें से ये स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद इसमें वही कहरवा 8 मात्रा में बजता है, फ्यूजन अलग अलग टाइप से बजता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको अस्थाई में क्या है और अंतरे में कैसे बजा है। तो स्टार्टिंग में इस म्यूजिक में ऐसे स्टार्टिंग होता है इसका, डंग 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 अस्थाई कैसे होता है, से इसमें बजता है ये। तो देख कर
सुन लेना, गाने में भी ये लगा है। तो ये कहाँ है, शेयर कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और जैसा भी हमें आता हम आपको बताते हैं, आपकी सेवा में तैयार रहते हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल यूनुस ढोलक को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे हम आगे वीडियो बनाएं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।